Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter Silk Road, written by Nick Middleton from your book Hanuman. Students, in the previous lecture we have already discussed that Tibet, which is a plateau, how it emerged out from the ocean, Tethys Ocean, when the great continent collided, and we also saw that the Chinese worker in the present Tibet, how they were working on the dry salt lakes. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि तिब्बत जो कि प्लेट्यू है वो कैसे ग्रेट कोलिजन जब हुआ था कॉन्टिनेंट का तो वो ऊपर आ गया था तिब्बत और उसकी वजह से वहाँ पे अभी भी छोटे छोटे ड्राई लेक्स हैं और वो ड्राई लेक अभी सूख चुके हैं और वहाँ जो चाइनीज वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं उन्हीं ड्राई लेक्स पे और वहाँ से सॉल्ट इकट्ठे करके ले जा रहे हैं. नाउ विल मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर. बाय द लेट आफ्टरनून वी हैव रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब दोपहर का समय हो गया था. सुबह में दोनों ने breakfast वगैरह किया. वो लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे workers काम कर रहे थे, जहाँ छोटे-छोटे tents वगैरह लगे हुए थे. वहाँ वो पहुँचते हैं, उसके बाद दोपहर हो जाती है. दोपहर में पहुँचने के बाद वो लोग एक छोटे से शहर पहुँचते हैं जिसका नाम होता है होर. ये एक छोटा सा शहर होता है, टाउन होता है, उसका नाम होता है होर. और यहाँ पे ये जो जगह है होर, ये ईस्ट वेस्ट हाईवे को फॉलो करता है. ये जो पुराना वाला जो सिल्क रोड था ना, जो लहासा से लेके कश्मीर को जोड़ता है, उस रूट से ये लोग गए थे. ईस्ट वेस्ट हाईवे बोला जाता है इसको. और ये पुराना वाला जो सिल्क रूट था, उसके बाद जो कच्चे रस्ते थे सिल्क रूट के, वो चेंज होकर के फिर नए नए रस्ते बने थे. लेकिन ये लोग कहाँ गए थे, जहां से पुराना वाला ट्रेड होता था, उस लहासा टू कश्मीर, वो वाला रास्ते को इन्होंने पकड़ा. डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, सो सेटन एंड आई पेड हिम फेयर आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप. अभी साथ में निक मिडलटन थे. कौन कौन थे? डैनियल थे और सेटन थे. ये दोनों लोग अभी इसके साथ थे, निक मिडलटन के साथ में थे. अभी क्या होता है कि जैसे ही होर आता है, वहां से डैनियल को लिफ्ट मिल जाती है. वो एक ट्रक वाले को बोलते हैं और वो उनको जाना है लहासा. डैनियल को जाना है लहासा और उन्हें लिफ्ट मिल जाती है एक ट्रक वाले से और वो वहां से निकल जाते हैं लहासा के लिए. अब बचे कौन? सेटन और निक मिडलटन. तो ये लोग दोनों अभी टायर रिपेयरिंग शॉप के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कार कोई पंचर वगैरह हुआ होगा. तो ये अभी वहां पे अपने टायर को, अपने कार को रिपेयर करवा रहे हैं. और वहीं से ये लोग क्या कहते हैं, डैनियल को अलविदा कहते हैं. पेड फेयरवेल का मतलब होता है अलविदा कहना. बीट फेयरवेल, ठीक है. तो किसी को अलविदा कहना, दैट इज कॉल्ड बीट फेयरवेल. बीट इज द past form of bid, B-I-D. Now, we had suffered two punctures in a quick session on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. अच्छा, मैंने बताया ना कि उनके कार में obviously कुछ हुआ होगा, तभी वो टायर रिपेयर शॉप के पास है. तो अभी निक बता रहे हैं कि उनके कार में दो पंक्चर्स हुए थे, वो भी बैक टू बैक. तुरंत तुरंत उनके कार में दो दो पंक्चर्स हो गए थे और उनके पास कोई स्पेयर नहीं थी, ठीक है. यानी कि कोई दूसरी टायर जो स्टेपनी होती है वो नहीं थी. तो उसकी वजह से सेटन को रिस्क नहीं लेना चाहते थे. जल्द से जल्द बस वो टायर को रिपेयर करवाना चाहते थे कि और हालत ज्यादा खराब हो टायर की, उससे अच्छा है कि पहले रिपेयर करवा लो. इसीलिए ये लोग तुरंत टायर को रिपेयर करवा रहे थे. और स्पेशली जब ये लोग सॉल्ट लेक से जब नीचे आ रहे थे, टाउन में आ रहे थे, तब इनके टायर में ज्यादा पंचर्स हुए थे, दो पंचर हो गए थे. बिसाइड द सेकेंड टायर ही हैड चेंज had been replaced by one that was as smooth as a bald head. और तो और वो ये कि जो सेकेंड टायर इन्होंने पंचर के बाद जो चेंज किया, जो टायर, उस टायर में क्या, वो टायर इतनी चिकनी थी जैसे कि किसी का सर चिकना सा, जैसे किसी का गंजा सर होता है ना, तो वो जितना चिकना होता है एग्जैक्टली ऐसी, जो बहुत ज्यादा टायर को यूज कर लिया जाता है तो उसमें जैसे पैटर्न्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो पैटर्न बने हुए होते हैं वो घिस जाते हैं, वो नहीं रहते हैं, टायर बिल्कुल चिकनी दिखाई देने लगती है ना. तो इसीलिए ये वाली टायर ज्यादा फ्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है. अगर ये ज्यादा चलेगी ऐसी वाली टायर,
जिसमें वापस से पंचर होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, कि टायर ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिस इज हैज बीन वॉर्न आउट, ये खत्म हो चुका है, इसके इसका लाइफ डेड हो चुका है। तो पहले जो टायर लगी थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन उसमें पंचर होने की वजह से जो दोबारा टायर लगाई थी वो ऐसी टायर थी। अब इसको भी ज्यादा देर चलाया नहीं जा सकता था क्योंकि ये बिल्कुल एक बॉयड हेड की जैसी, एक गंजे सर के जैसा दिखाई दे रहा था। Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks. अभी जो Hor जो जगह है ये बहुत ही grim, बेजान सी और miserable, मतलब बहुत ही इसकी condition बहुत खराब है, दयनीय condition है इसकी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको dust और rocks दिखाई देंगे, कोई vegetation नहीं, बहुत थोड़ी बहुत no vegetation, इस तरह से भी vegetation नहीं, मतलब हरियाली बिल्कुल ही नहीं है। सोचो वो जगह कितनी बंजर, कितनी अजीब सी लगती होगी, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, और क्या दिखाई दे रहा है, तो चारों तरफ से डस्ट और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे भी देखने से वैसी जगह कैसी लगती है, थोड़ी सी शमशान अजीब सी दिखाई देती है, बेजान सी दिखाई देती है, जिसमें कोई हरियाली नहीं है, जान नहीं है, ठीक है, लाइफलेस दिखाई देती है। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्युमुलेटेड रिफ्यूज, और तो और वहां पे से बंजर होना, पत्थर होना, डस्ट होना चलिए चल भी जाता, लेकिन और तो और वहां पे क्या था, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां पे ढेर सारे accumulated refuse का मतलब कि कचरा, accumulate का मतलब होता है जमा करना। वो जो जगह थी और वहां पे refuse का मतलब होता है गार्बेज, तो जो गार्बेज है उसको जमा किया जाता था, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो जगह को सिर्फ कचरा जमा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे वो जगह का नक्शा या उस जगह को देख करके, उसके आसपास के एरिया को देख करके बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। Which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. और सबसे unfortunate बात, सबसे दुर्भाग्य की बात ये थी कि ये जो टाउन था होर, ये बिल्कुल लेक मानसरोवर के बगल में था, ठीक है, एकदम लेक मानसरोवर के बगल में। अब लेक मानसरोवर तिब्बत का बहुत ही ज्यादा पवित्र, जैसे हमारे यहाँ गंगा का इम्पोर्टेंस है, वैसे तिब्बत में लेक मानसरोवर का इम्पोर्टेंस है, हमारे माइथोलॉजी में भी मानसरोवर लेक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये जो लेक है उसमें आप देखोगे कि इतना खूबसूरत लेक, इतना पवित्र लेक, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए, या अपने पाप धोने के लिए, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या मेडिटेशन करने के लिए, बहुत सारी बहुत मान्यता है इस लेक की। और इतने पवित्र नदी के बगल में जो जगह है वो बिल्कुल बेजान, बंजर, अधमरी सी जगह, तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात थी। और ऊपर से इतना ही नहीं, चलो वेजिटेशन ना हो फिर भी ठीक है, लेकिन कचरा जमा करने वाली जगह किस जगह पे लग रहा था कि सिर्फ लोग दुनिया भर के आकर के सिर्फ कचरे को ही जमा करके रखा हुआ है वैसा। Tibet's most venerated stretch of water, venerated का मतलब होता है respected, सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे ज्यादा सम्मान मिलने वाला, तो ये होता है venerated, ठीक है, venerated का मतलब respected। तो जो एक तिब्बत का की सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा सम्मान देने वाली कोई नदी, स्ट्रेच ऑफ वाटर अगर कोई है तो लेक मानसरोवर है, और उसके बगल में इतना इतनी गंदगी, इतना इतनी दयनीय स्थिति होना उस जगह की, ये थोड़ा सा दुख वाली बात थी। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिनपॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो लोग कॉस्मोलॉजी, तो यूनिवर्स का ओरिजिन और साइंस डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, यूनिवर्स का जो इस चीज की जो पढ़ाई होती है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। तो एंशियंट यानी कि प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट, ये लोग जो कॉस्मोलॉजी को पढ़ते थे इन सारी चीज़ों को, उनका ऐसा मानना है कि मानसरोवर इंडिया के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों का ओरिजिन है, वहाँ पिन पॉइंट है, यानी कि वहाँ से चार इंपॉर्टेंट नदियाँ इंडिया की निकलती हैं। और सोर्स ऑफ ग्रेट फोर इंडियन रिवर्स कौन कौन, इंदस, गंगेज, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ये चार नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, ऐसा एंशियंट हिंदू यानी प्राचीन हिंदू
हिंदुओं का मानना है, क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद कोर्स चेंज हो जाता है नदियों का। अगर 100 साल, 1000 साल, 200 साल के बाद आप देखोगे तो नदियों के मूवमेंट में, नदियों की चाल में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो अगर बहुत पुरानी नदी है तो उनका पिन पॉइंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एंशियंट हिंदू के बारे में बोला गया। क्योंकि अभी हमारे हिसाब से अगर अभी हम देखें तो ये जो लेक है वो एक्चुअली मानसरोवर से नहीं निकलती है, मानसरोवर के पीछे से निकलती है, माउंट कैलाश के पीछे से, ठीक है। लेकिन पुराने प्राचीन जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनका मानना है कि नहीं, मानसरोवर से ही निकलती थी, सोर्स मानसरोवर ही था, ठीक है। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोस फ्रॉम द लेक, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। मैंने बोला ना कि अभी क्या है कि अभी के अनुसार आप देखोगे तो ये है माउंट कैलाश, ठीक है, और इधर से पीछे से ऐसे से फ्लैंक किनारे से साइड साइड से निकलना उसे बोला जाता है फ्लैंक से निकलना। तो सिर्फ ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मानसरोवर से कौन निकलती है, सतलज निकलती है, और बाकी की जो तीन नदियां हैं वो माउंट कैलाश के फ्लैंक से निकलती है, यानी किनारे किनारे से निकल जाती है, ठीक है, साइड से निकलती है। ये अभी के लोगों का मानना है, जैसा अभी देख सकते हैं हम लोग, वैसे अभी यही ऐसे ही नजर आता है। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. और माउंट कैलाश कहाँ से नजर भी आ रहा था, दिखाई भी दे रही थी, और बहुत ही कम डिस्टेंस में थी, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब दिख सकता था कि ऐसे अब बस चढ़ना है वहां पे जाकर के, बहुत कम दूरी थी वहां से। और अब निक मिडिलटन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनका पेशेंस उसमें अंदर धैर्य नहीं है कि अब बस उनकी इच्छा जो है वो बढ़ रही है, तीव्र हो रही है कि नहीं मुझे अब जाना है। ही इज वेरी ईगर कि अब तो बस मुझे आगे बढ़ना है माउंट कैलाश की चढ़ाई के लिए या पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, जो जिस भी पर्पज से वो वहां गए होंगे। फिलहाल तो हमें ये पता है कि वो पूरा करने के लिए गए थे, यानी कि परिक्रमा करने के लिए गए थे। सो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, माउंट कैलाश दिखाई भी दे रहा है ठीक ठाक, और पहुंच भी गए हैं, डैनियल वहां से जा चुका है लहासा के लिए, सो एवरीथिंग सीम्स फाइन, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मानसरोवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ के खराब लग रहा है कि मानसरोवर के आसपास का एरिया थोड़ा हरा हरा भरा खूबसूरत सा होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह का ऐसे कुछ माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है ना, उस जगह का हमारे दिमाग में कुछ ऐसा एक अलग इम्प्रेशन आता है कि वो वहाँ पे कुछ ऐसे मैजिकल कुछ होगा, वहाँ की सैंक्टिटी कुछ और है, पवित्रता कुछ और है, तो उसके आसपास हरियाली सब चीज अलाइन दिखाई देती होगी, ऐसा वाला हमारा इमेज है हमारे दिमाग में। लेकिन अगर उसके बगल में कोई शहर है जो बिल्कुल कचड़े से भरा हुआ है, डस्ट और रॉक्स भरे हुए वहां से, तो दिस डजंट साउंड गुड, अच्छा नहीं लगता सुनने में, है ना। तो आई विश कि वहां तिब्बत के लोग या चाइना कोई भी जो लोग उसको, तिब्बत एक्चुअली इंडिपेंडेंट रीजन है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उसको थोड़ा सा मानसरोवर के आसपास के एरिया, आसपास के एरिया को थोड़ा साफ सुथरा करे या ठीक ठाक बनाए उसको, या थोड़ा उस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोग बाहर से भी जाते हैं, और सिर्फ तिब्बत के लोगों के लिए नहीं बल्कि इंडियन के लिए भी, इंडियंस के लिए भी, और बहुत सारे कंट्रीज नेपाल वगैरह के लिए भी वो एक बहुत ही पवित्र जगह है, स्पेशली लेक मानसरोवर माउंट कैलाश। नाउ But I have to wait. Satan told me to go and drink some tea in Horse Only Cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. अब देखो, समय तो सामने दिखाई दे रहा है माउंट कैलाश को, बस उनके मन में लग रहा है कि हाँ अब कब बस शुरू करें, कब मैं बस वहां पहुंच जाऊं, कब मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये उनके दिमाग में बस चल रहा है। लेकिन अभी समय नहीं था, अभी उनको इंतजार करना था, भी बहुत अभी भी दूरी कुछ तय करनी बाकी है, अभी भी माउंट कैलाश बस नजर आ रहा है, तो पहाड़ बहुत बड़ा है, उसे ही नजर आता होगा, अभी भी उसके आसपास पहुंचना है, नजदीक जाना है, तो खैर अभी समय है, तो उनको इंतजार करना था। तो सीटन उनको कहता है कि होर में इकलौता कैफे है जहाँ पे चाय मिलती है, आई मीन एक ही कैफे है वहां पे, तो वहां जाकर के चाय पी लीजिए आप। और वहां होर की जो बाकी सारी बिल्डिंग थी, उन्हीं बिल्डिंग्स की तरह जो होर का जो कैफे था वो भी बिल्कुल झरझर, ठीक है, बैडली पेंटेड कंक्रीट, मतलब कंक्रीट भी बिल्कुल जैसे तैसे वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ बिल्डिंग जो है, और खिड़कियां भी टूटी हुई है। तो देखो, लाइक ऑल दी अदर बिल्डिंग्स, मतलब वहां की स्थिति इतनी झरझर है कि एक कैफे नहीं बल्कि वहां की ज्यादातर बिल्डिंग्स के का यही हाल है, ठीक है, कि कॉन्क्रीट सीमेंट लगा है लेकिन जैसे तैसे लगा हुआ है, बस
थूप थाप करके बना दिया गया है वैसे। और तो और खिड़कियां भी हैं, अगर चार खिड़की है तो उसमें तीन खिड़की टूटी हुई है, ये वाला हाल है। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। और चारों तरफ सुखाड़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो जर्जर स्थिति है उसमें बस एक ही सुकून वाला नजारा था, वो था खिड़की से दिखने वाला लेक माउंट लेक मानसरोवर, ठीक है। अब उस कैफे में बैठ करके एक खिड़की के पास से जो नजारा नजर आ रहा था लेक मानसरोवर का, बस वही खूबसूरत था। इसके अलावा उस जगह की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, वहां कुछ भी देखने लायक नहीं था। तो ये क्या कर रहा था, कॉम्पनसेट कर दे रहा था, भरपाई कर रहा था। जो व्यू था वो वहां की स्थिति को कब की भरपाई वो कर दे रहा था, सिर्फ लेक मानसरोवर। तो सोचो एक नदी, एक तालाब, एक झील के होने से वहां पे इतना लेक मीन झील, एक झील के होने से वहां की का जो व्यू है इतना बढ़ जा रहा है, तो उस आसपास के एरिया को थोड़ा सुंदर या अच्छा रखा जाता तो कितना ही अच्छा होता है ना। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. अब वो वहां जाके चाय ऑर्डर करते हैं तो चाय कौन लेकर आता है, एक चाइनीज यूथ मिलिट्री का आदमी लेकर आता है जो यूनिफॉर्म पहना हुआ होता होगा, मतलब पहना हुआ था, मतलब वहां पे जो लोग वर्कर भी थे वो कैंप जैसा था ना, वहां पे बताया था ना कि टेंट्स लगे हुए थे, कैंप्स लगे हुए थे, तो वैसे ही सारे एरिया में वो जो लोग काम भी कर रहे थे वो लोग यूनिफॉर्म वगैरह पहने रहते थे। तो वो लेकर के आता है और वो टेबल पोछता है, तो टेबल जो पोछ रहा था वो गंदे कपड़े से पोछा था, जिसके वजह से जो टेबल थी और ग्रीसी हो गई और थोड़ी चिपचिपी हो गई, जिसे एक ही पोछे से आप अगर बार बार पोछो तो कैसा चिपचिप हो जाता है, और जो जगह को साफ कर रहे हो वो साफ होने की वजह और गंदी हो जाती है। तो वैसे ही उसने भी किया कि वो उस गंदे कपड़े से उसने पोछा फिल्दी राग का मतलब मैले कपड़े से, फिल्दी का मतलब होता है गंदा। फिल्दी मतलब गंदा संदा रात फटा चीटा, तो उसी से उसने क्या किया, टेबल को पोछा जिससे ऑलरेडी गंदा था, तो उसकी वजह से टेबल और भी ज्यादा गंदी हो गई। और उसने चाय लाए और एक ग्लास लाया और एक थर्मस लेकर के आया, टी वाला थर्मस, जो चाय वाला थर्मस होता है वो लेकर के आया। हाफ एन आवर लेटर सैटन रिलीव मी फ्रॉम माय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड वी ड्रो पास अ लॉट more rocks and rubbish westward out of the town towards Mount Kailash. और वो आधे half an hour later, आधे घंटे के बाद वो वहां पे अकेले बैठे रहे थे कैफे में, तो सेटर वहां से आया उनको उन कालास कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी मीन्स अकेला, तन्हाई और कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, ठीक है। तो वो वहां से उनको लेने के लिए आता है, यानी कि उनकी तन्हाई से उनको निकाल करके ले करके जाता है, उनको ऐसे वहां पे बैठे हुए थे अकेले बिल्कुल उस जर्जर सी जगह में, तो उनको ऐसा लगा था किसी ने मुझे कारावास दे दिया है। तो सेटन आता है और उनको वहां से लेकर जाता है, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है। और वो लोग और भी पथरीले रस्ते पे और ज्यादा झरझर रास्ता, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों वाले रास्ते पे चले, रबिश यानी कि वेस्ट, जो वेस्ट वाला जो एरिया था वहाँ और कचरा नजर आया देख करके, और वो लोग टाउन से बाहर निकल के और किस तरफ चले गए, माउंट कैलाश की ओर चले गए। मतलब ये देखा जाए इस जर्नी से ये समझ में आ रहा है कि होर से लेकर के माउंट कैलाश की तरफ अगर रास्ता जाए तो वहां ज्यादातर क्या मिलता है, कचरा, रबिश मीन्स कचरा, एक्युमुलेटेड रिफ्यूज, जमा हुआ कचरा, तो ज्यादातर ऐसे पत्थर और कचरे ही नजर आएंगे आपको। तो ये वाला जो एरिया है, कभी अगर आप फ्यूचर में गए वहाँ तो मे बी ये बात आप याद रखना, और आप अपने साइड से कुछ लोगों को थोड़ा टिप्स एंड ऑल आप दे सकते हो, या आप मुझे बताना कि हाँ ऐसा था या नहीं था।
और मैं अगर जाऊंगी तो मैं भी आपको बताऊंगी कि हाँ एक्चुअली ये वाली चीज हमने देखी है नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया नहीं है नहीं, ये मिनिक मंडल में जब गए थे उस समय से अभी तक में क्या बदलाव है। होपफुली हम लोग जब वहाँ जाए तो हमें इतना सारा कचरा और गंदगी ना नजर आए। आई जस्ट विश कि वहाँ के लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो या वहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया हो। नाउ माय एक्सपीरियंस इन होर केम एज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू अकाउंट्स I have read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. अब देखो, ये एक physical geographer है, तो ये कहीं भी जाने के पहले वहाँ तो दो तीन travelogue पढ़ते होंगे, लोग वहाँ research करते होंगे, दूसरे लोग जो वहाँ जा चुके हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों का research देखते होंगे कि उन लोगों के experience कैसे रहे हैं, सारी चीजें पढ़ते होंगे। तो इन्होंने जो लेक मानसरोवर के बारे में पढ़ा था वो बिल्कुल उल्टा था, स्टार कॉन्ट्रास्ट। मतलब ये जो यहाँ देख रहे थे सिर्फ कचरा ही कचरा, और जो लोगों से इन्होंने सुना था वो बिल्कुल ऑपोजिट था, ठीक है। क्योंकि लेक मानसरोवर की ब्यूटी तो चलो लेक मानसरोवर थी सुंदर, लेकिन उसके आस पास कोर का जो एरिया था, कोर वाला जो एरिया, तो कोर के बारे में जो दूसरे लोगों ने इनको बताया है मीडिया में भी, जो इन्होंने पढ़ा है पहले जाने वाले लोगों के बारे में, यानी कि अर्लियर ट्रैवलर जो इससे इनसे पहले यहाँ आ चुके हैं या जिनके भी ट्रैवलॉग्स इन्होंने पढ़े हैं, तो उनका फर्स्ट एनकाउंटर जो लेक मानसरोवर तक का था वो कुछ अलग ही था, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो कुछ और ही है, दोनों ऑपोजिट थे। इन्हें यकीन नहीं था कि लेक मानसरोवर इनको ऐसा दिखाई देगा और लेक मानसरोवर के आस पास की चीजें ऐसी दिखाई देंगी इनको, ठीक है। इकाई कावागुची, अ जापानीज मंक who had arrived there in 1900 was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. अच्छा, लेक मानसरोवर तो है ही, उनकी उसकी खूबसूरती तो इन्होंने भी बताई कि लेक मानसरोवर को देख करके जिनको फीलिंग आई वो क्या कर रही थी, होर की गंदगी का वो भरपाई कर दे रही थी कि होर कितना भी गंदा हो चलो यहाँ का डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन जैसे ही लेक मानसरोवर को देखते हैं तो क्या होता है कि लगता है चलो सब भूल गए, है ना, वो गंदा है तो है, ये तो सुंदर है, ये तो खूबसूरत है ना, मतलब इसको देख करके सुकून मिल रहा है, ये देख करके सब सब माफ, ठीक है, वो वाला सिचुएशन था। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो इन्होंने होर के बारे में जो लोगों के जो प्रीवियस ट्रैवलर से सुना वो तो उल्टा ही निकला, लेकिन लेक मानसरोवर के बारे में जो चीज सुनी वो बिल्कुल सही है। एक ट्रैवलर थे, एक मंक थे जिनका नाम था इकाई कावागुची, ठीक है, ये एक मंक थे और ये जापानीज थे, ठीक है, जापानीज मंक तो सन्यासी। तो ये इन्होंने जब लेक मानसरोवर को जब पहली बार देखा था तो ये उसको उसकी पवित्रता, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, उसकी पवित्रता को देख करके इतने ज्यादा घूम हो गए थे उसमें कि रो पड़े, मतलब एक समंदर एक झील को देख करके रो पड़ना ये थोड़ा सा अजीब, थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन हाँ जो उसकी पवित्रता जो है कुछ कुछ चीज़ों में ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, ऐसा वाइब होता है कि आप उसको देखोगे तो आप फील कर पाते हो, एक्चुअली आपको टच कर देती है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सैंपलिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो मंक्स जो लोग होते हैं वो लोग तो ऐसे भी प्योर होते हैं, तो ये जब वहाँ पे गए तो मे बी इनका इंटरेक्शन झील के साथ ऐसा हुआ कि ये रो पड़े, कि बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है, ये फूट फूट करके रोने लगे। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, और ये कहा 1900 में गए थे, ये कब गए थे, 1900 में गए थे लेक मानसरोवर को देखने में, तो तब से लेकर के अभी तक तो उसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर द हॉलोड वाटर हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेन हेडिन स्वीट हु वाज who wasn't prone to sentimental outbursts. और एकदम सिमिलरली ये सेम चीज एक और आदमी के साथ हुई थी जिसका नाम था स्टीव हेडन, ठीक है, स्टीव हेडन नाम था उसका, और ये एक स्वीडिश आदमी था, सॉरी स्वेन हेडन, स्टीव स्वेन हेडन नाम था और ये स्वीड का था, यानी स्वीडिश आदमी था, स्वीडन का रहने वाला था। ये इतना भावुक आदमी था नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है, यानी कि होता है ना कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, उनके इमोशंस थोड़ा सा थोड़े से ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी अपने इमोशन को शो नहीं करते हैं,
तो ये वैसे ही था, इसमें सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट दिखाने वाला आदमी में से लेकिन था नहीं। लेकिन इससे भी जब लेक मानसरोवर को देखा था तो वो भी रो पड़ा था, फूट पड़ा था। जरूर तो जरूर ही उस जगह पे कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो उनको फील हुआ और इतना स्ट्रॉन्गली फील हुआ कि वो रो पड़े। और ये दोनों कोई तो ये दोनों ये एक होते ना, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जहाँ जाकर के आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है। वहाँ जाओगे तो आप आपको एकदम हल्का फील होगा, लगेगा कि आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है, उस जगह की कुछ ऐसी एनर्जी होती है, उसकी पवित्रता, वहाँ का ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी, वहाँ की मान्यता जिसको कहते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोगों को ऐसा फील होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही लेक मानसरोवर के बारे में इन्होंने जब प्रीवियसली लोगों के बारे में पढ़ा तो दो लोग, एक इकाई कावाकुची और दूसरे स्वेन हेलेन, इन दोनों के बारे में ये चीज़ पढ़ी और लेक मानसरोवर के बारे में इनको तब जाकर के पता चला उसकी पवित्रता के बारे में। और आज ये जब अपनी आँख से उसको देख रहे थे उनको फील हुआ कि हाँ ये बिल्कुल सच है, कोई गलत बात नहीं, और जैसा भी हो कितना भी गंदा और जस्ट बगल में ही। लेकिन जब आप लेक मानसरोवर को देखते हो तो आपको कोई बुराई, कोई खराबी कुछ नजर ही नहीं आता है, वो अपने में मेस्मराइज कर देता है। ठीक है, उसकी खूबसूरती, उसकी पवित्रता इतनी ज्यादा है। नाउ इट वाज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रिव अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चिन फॉर व्हाट turned out to be another troubled night. अब अंधेरा हो चुका था और फाइनली ये लोग फिर से वहां से निकले, यानी कि होर को छोड़ दिया, होर से निकल गए और 10:30 बजे के आसपास ये लोग एक गेस्ट हाउस में रुके आकर के एक जगह, दूसरी जगह पर जिसका नाम था डार्चिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इस यात्रा के लिए, तो डार्चिन। ठीक है, तो डार्चिन में जाकर के ये लोग रुकते हैं और गेस्ट हाउस लेकर के वहां रहने रहते हैं उस रात को। तो एक तरीके से आपको एक और नॉलेज मिल रहा है कि होर में ये लोग कितने बजे के आसपास पहुंचे थे और वहां से दार्चिन आने में 10:30 बज जा रहे हैं। ठीक है, तो शाम हो ही गई थी, अंधेरा हो गया था। अब देखो दार्चिन जो जगह है ये जितने ज्यादा माउंट कैलाश के नजदीक जाओगे उतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि वो माउंटेन है, ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ऊपर बर्फ बहुत ज्यादा है। तो माउंट कैलाश की ओर जब ये बढ़ रहे हैं तो ठंड भी और ज्यादा बढ़ रही है और आप देख रहे हो कि निक मिडलटन को शुरू से ही परेशानी हो रही है, हाई ऑल्टीट्यूड से ठंड से ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये इनके लिए ट्रबल नाइट बन जाती है, परेशानी वाली रात बन जाती है, और वो रात इनके लिए इनकी अच्छे से कटती नहीं है और इनके लिए परेशानी वाली रात बन जाती है। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर had set off my cold once more. Though if truth be told, it had never quite disappeared from my heart with my herbal tea. क्या हुआ था कि इनको already cold था, थोड़ी सी ठंड लगी हुई थी पहले से ही और उसकी वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी और ज्यादा हो रही थी। ऊपर से जब ये होर से क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ इतनी गंदगी, तो इनका जो ब्रीदिंग इशू था, जो ठंड इनको लगी थी, कोल्ड लगा हुआ था, वो इनके नॉस्ट्रल्स को और ज्यादा परेशान करने लग गई थी। और सच पूछा जाए तो जो होर से लेकर के दार्शन तक की जो गंदी हवा थी, रबिश वाली जो हवा थी, उनके नाक से जब क्रॉस हुई है तो उन्होंने उसके कोल्ड को क्या किया और बढ़ा दिया है। और वो हर्बल जो टी इन्होंने पिया था, वो जड़ी बूटी वाला जो टी पिया था, चाय पी थी, उससे राहत हुई थी लेकिन कोल्ड पूरी तरीके से गई नहीं थी। और अब ये जब दार्चिन पहुंचे हैं तो इनको और ज्यादा उसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो देयर इज अनदर चैलेंज फॉर हिम एंड हम शुरू से इस चैप्टर में सिर्फ चैलेंजेस और चैलेंजेस ही देख रहे हैं। सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल फाइंड आउट व्हाट मोर चैलेंजेस आर वेटिंग फॉर निक मिडलटन। थैंक यू।